पुलिस पेट्रोलिंग और वार्निंग्स कुछ काम न आई। नए साल के शुरू होते ही कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त हवाई फायरिंग की गई। कराची में लोगों ने छतों पर चढ़कर फायरिंग की। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, कोई ख्याल नहीं किसी का, इंतहाई बड़ा रिस्क है इस काम में, हवाई फायरिंग से मना किया गया था लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इमरान साहब, अहकाम जो है वो जारी किए गए थे लेकिन शहर में निसाले नौ के जश्न के मौके पर इन अहकाम की जो है वो धज्जियां उड़ाई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शदीद हवाई फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी जो है वो जारी है। अब तक हवाई फायरिंग के नतीजे में जो है वो 10-12 बच्ची समेत 3 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। सबसे पहला साले नौ का पहला हवाई फायरिंग के नतीजे में जख्मी जो है वो शख्स जख्मी होने का वाक्य है वो जोराबाद के इलाके मुक्का चौक से जो है वो सामने आया। जख्मी इसमत अल्लाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। शारा नूर जैक इलाके में नामालूम शख्स से गोली लगने से 10 साल इकरा नामी बच्ची जो है वो जख्मी हुई है, जिसे रक्षक की मदद से इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ही साथ घास मंडी में भी जो है वो फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल लाया गया है, जबकि एक और जो है वो शख्स के जख्मी होने की इतलात और सोल्जर बाजार से जो है वो मौसूल हुई है। अब तक कुल 3 जख्मियों की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। मजीद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग की जो है वो इतलात मौसूल हो रही है। पुलिस की जानब से सख्त पेट्रोलिंग और जो है वो सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इकदाम कतौर कतल की दफा के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। लेकिन शहरों ने इन अहकाम की जो है वो धज्जियां उड़ाई और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी हवाई फायरिंग का सिलसिला हमारे साथ मौजूद है। हवाई फायरिंग का सिलसिला जिस वक्त जारी है, आवाम से अपील है एहतियात कीजिए, साले नौ का जश्न जिंदगी भर का रोग न बन जाए।